All right. Good morning, all of you, bitte. So today we are going to start with financial planning. Its meaning is already clear to you, I guess. So still I am repeating. Financial planning kya hota hai, bitte? It means preparing the financial blueprint, theek hai, of firm's future operations. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, उसके फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए हमें एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के कल को ये जो फर्म है इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए कहाँ कहाँ से फंड्स आएंगे, किस किस कॉस्ट में आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितने फंड्स होने चाहिए, ये सारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना, दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी हमें फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए फंड्स की जरूरत है, हमारे पास इनफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए एट एप्रोप्रिएट टाइम. ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें आज 2 करोड़ रुपए की जरूरत है और हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है, या हमारे पास 5 करोड़ रुपए हमने ले लिए. ठीक है, सो इनफ फंड्स शुड बी अवेलेबल विद द फर्म एंड एट एप्रोप्रिएट टाइम. ये कौन इंश्योर करता है? ये फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है. क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग? क्योंकि अगर हमारे पास एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो फर्म अपनी बिजनेस की जो कमिटमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी, उसकी गुडविल, उसके फ्यूचर ऑपरेशंस सब सफर करेंगे. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे पास एक्सेस में फंड्स अवेलेबल हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर होगा. ठीक है, क्योंकि जब आपके पास मोर देन सफिशियंट फंड्स हैं, 2 करोड़ की जरूरत है, 5 करोड़ आपने उठा लिए, तो आप इंटरेस्ट तो 5 करोड़ का दे रहे हो ना, तो उस केस में आप अपने आप बोलोगे अच्छा मेरे पास तो भी 5 करोड़ पड़ा है, कोई बात नहीं, ये भी ले आता हूँ, वो भी ले आता हूँ, तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा इनकरेज होता है. ठीक है, नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट द सेम थिंग एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट बेसिकली एम्स एट चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग. ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी एम क्या है कि हमको बेस्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव चूज करना है बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है. क्या करती है? उसके पास ए बी सी डी ऑप्शंस अवेलेबल है और वो चूज करती है इनमें से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है. ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड्स की हमें जरूरत है, हमारे पास ये सोर्सेज अवेलेबल है फंड्स के लिए ई एफ जी एच, इनमें से हमें कौन सा सोर्स से फंड्स प्रोक्योर करने हैं, ये डिसीजन लेना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है. ठीक है, कैसे लेती है? बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. ठीक है, वेयर एज फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? इट एम्स एट स्मूथ ऑपरेशंस. ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एम क्या होता है कि हमारी फर्म के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चलते रहें. कैसे स्मूथली चलते रहे, उसके लिए किसके ऊपर फोकस किया जाता है? फंड्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर और उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजंस ली गई हैं कि हमें भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको ध्यान में रखते हुए हम इनफ फंड्स अवेलेबल कराते हैं ताकि फर्म के जो ऑपरेशंस हैं, फ्यूचर ऑपरेशंस हैं, वो स्मूथली कंडक्ट होते रहें. ठीक है, सो द बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इट अचीव्स द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स. दो मेन ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल प्लानिंग अचीव करती है. नंबर वन, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट
इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो ये फंड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए. सेकेंडली टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज अननेसेसरी फंड्स. फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो इंश्योर्स के फर्म जो है अननेसेसरली कोई भी फंड्स प्रोक्योर ना करे, जितने फंड्स की जरूरत है उतने ही प्रोक्योर करे, उससे ज्यादा ये ना अब प्रोक्योर करे, क्योंकि बेटे एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग. अगर आपको 2 करोड़ की जरूरत है, आपने 1 करोड़ रेज किया या 3 करोड़ रेज किया, इनमें से वर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? बोथ. आप बोलो कोई बात नहीं मैम 3 करोड़ रेज कर लो, तो 1 करोड़ से तो क्या होगा आपके ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, 3 करोड़ में तो ज्यादा ही है, एक्सेस में ही है. बेटे एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग, क्योंकि जो एक्सेस फंडिंग है ना, जो भी फंडिंग है वो कॉस्ट पे आती है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट. ठीक है, सो अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी दैट इज अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? प्रॉपर मैचिंग करती है. किसकी मैचिंग करती है? विद द रिक्वायरमेंट, फंड्स की रिक्वायरमेंट को फंड्स की अवेलेबिलिटी के साथ मैच करना. दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, विच इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सो वी टेक इनटू कंसीडरेशन, एक फर्म जो है जो जब फाइनेंशियल फाइनेंस मैनेजर जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स माइंड में रखता है? इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड. ठीक है बेटे, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है. जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इट कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान. याद रखना, इट कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान विच इज कॉल्ड एज बजट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बजट. यानी जब एक फाइनेंस मैनेजर शॉर्ट टर्म के लिए फर्म की प्लानिंग कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, तो किस फॉर्म में करता है? उसको कहते हैं बजट. ठीक है, वेयर एज जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बेटे, इट रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स. ये फोकस करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर. ठीक है, इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स. यानी आपको कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कितने फंड्स की जरूरत है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है. टिपिकली एक जो फर्म है वो 3 से 5 सालों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करती है. इससे ज्यादा की प्लानिंग अगर आप करेंगे तो वो रिजिड हो जाती है, वो कम डिफिकल्ट होती है करनी और लेस यूजफुल होती है. आपने प्लानिंग का चैप्टर तो पढ़ा ही है, ठीक है, तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग ही है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग टिपिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 to 5 years के कर लेती है, क्योंकि इससे ज्यादा पीरियड्स के लिए प्लानिंग करना, वन इट बिकम्स डिफिकल्ट, अनदर इट बिकम्स लेस यूजफुल. ठीक है, सो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले हम सेल्स की फोरकास्ट करते हैं. सपोजिंग कोई भी एक फर्म है वो 5 साल के लिए अपना फाइनेंशियल प्लान अगर बना रही है, तो अगले 5 सालों में वो अपनी सेल्स की फोरकास्ट करेगी. ठीक है, सो द सेल्स विच आर लाइकली टू हैपन इन द नेक्स्ट 5 years दैट विल बी प्रिडिक्टेड. सो बेस्ड ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड. सपोजिंग आपने प्रिडिक्ट किया कि अगले साल 1 करोड़ की सेल है, उससे अगले साल 5 करोड़ की सेल हो जाएगी, तो ये जो सेल है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए आपको आउटपुट की जरूरत है. आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और आपको फिक्स्ड कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी. कितनी रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले आपने सेल्स प्रिडिक्ट की,
सेल्स प्रिडिक्शन से क्या हुआ, आपको पता चल गया आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना यू नो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए और कितनी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस सेल्स में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कितने होंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हमें इसका आइडिया क्यों लेना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम कितने फंड्स जो हैं इंटरनली जनरेट कर सकते हैं। इफ यू रिमेम्बर सोर्सेज ऑफ फंड्स आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो लेट अस से अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि आपको 20 करोड़ के प्रॉफिट होने वाले हैं, उसमें से 5 करोड़ आपने डिविडेंड पे आउट कर देना है, 15 करोड़ रुपए आपके पास बच जाएंगे टैक्स वगैरह देने के बाद, तो इसमें से आप कितने फंड्स यू नो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने कहा कि 10 करोड़ हम रीइन्वेस्ट कर देंगे और आपको टोटल 15 करोड़ की फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो 5 करोड़ आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको पता हो गया कि आपको कितने फंड्स की जरूरत है और आपको किस टाइम पीरियड पे वो फंड्स की चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप सोर्सेज देखते हैं कहाँ से आप जो है एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। And then the cash budgets are made, keeping in mind all these factors. Is it clear? यहाँ तक किसी को कोई doubt? Financial planning कैसे की जाती है? बेटे ये सारी चीजें ना बहुत आपको book में से पढ़ोगे तो इतना नहीं आपको पता चलेगा। You should know। आपने sales forecast की, sales forecast करके आपको पता चल गया कि आपको output कितनी generate करनी है। गाड़ी को चलाया करो आप, रेंडो आपसे नहीं होगा। आपको कितनी आउटपुट चाहिए, अगर आपको उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई आपकी। उसके बाद आपने प्रॉफिट्स देखे आपके कितने होंगे, सेल्स में से कितने आपके प्रॉफिट हैं। वो क्यों देखा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने जो रिक्वायरमेंट है फंड की, जो आपने सेल्स के बेसिस पर प्रिडिक्ट की, उसमें से कितनी रिक्वायरमेंट इंटरनली मीट हो सकती है और कितनी आपको एक्सटर्नल सोर्सेस से फंड्स रेज करने पड़ेंगे। अब जब एक्सटर्नल से इतने फंड्स रेज करोगे तो उसके लिए कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हो, ठीक है। हर एक की अलग अलग कॉस्ट है, हर एक के अलग अलग बेनिफिट है, तो उसको माइंड में रखते हुए आप अपने फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करोगे, ठीक है। सो यू विल इंश्योर दैट दी फंड्स आर अवेलेबल whenever required, and secondly you will ensure that firm does not raise unnecessary funds. In order to meet these objectives, of course you have to prepare a financial blueprint which is called as financial planning. Got it? Okay, so next is the importance of financial planning. Kisi bhi organization ke liye, especially large scale organizations ke liye, financial planning kyun zaruri hai, तो इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो नंबर वन पॉइंट इज इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना बेटे, हम ऑल्टरनेटिव्स लेके चलते हैं कि अगर ये सिचुएशन हुई तो कितने प्रॉफिट्स होंगे, सेल्स होंगे। बी सिचुएशन हुई तो कितने सेल्स प्रॉफिट होंगे। सी सिचुएशन हुई तो कितने सेल्स और कितने प्रॉफिट्स होंगे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें फोरकास्टिंग हो जाती है कि व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर इन डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। तो इसका क्या फायदा, आप बोलो मैम क्यों आया फर्क पड़ता है, ए सिचुएशन आई, बी आई, सी आई, तो क्या फर्क पड़ता है, जब सिचुएशन आएगी संभाल लेंगे बिजनेस में। नहीं बेटे, आज का बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, यू हैव टू बी prepared to face any eventual situation. See, जब lockdown लगा कुछ firms बंद हो गई, आपने notice किया होगा कितनी shops बंद हो गई, कुछ model town में eatables और कुछ नई खुल गई, है ना, और कुछ ने अपनी shop उस lockdown में बंद करके दोबारा से revive कर लिया, now they are doing well. अब जो बंद हो गई firms, वो क्यों बंद हुई, क्योंकि they were not prepared. उन्होंने प्लानिंग नहीं की हुई थी, सो दे वर नॉट एबल टू फेस द इवेंचुअल सिचुएशन।
Whereas, जो अभी भी चल रही है उन्होंने ये सिचुएशन इवन चलो कोविड आप बोलो कि ये तो किसी ने नहीं प्रिडिक्ट की हुई थी कि ऐसे एपिडेमिक आ जाएगा तो पेंडेमिक आ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया होता है कि हमारी कल को सेल्स कम हो सकती है. जब कम होंगी तो हमने अपने यू नो बचा के कुछ रखना है, हमारे पास कुछ कंटिंजेंसीज होनी चाहिए. सो देवर बेटर एबल टू फेस दी इवेंचुअल सिचुएशंस. ठीक है, देवर बेटर प्रिपेयर टू फेस दी फ्यूचर. सो फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स इज प्रिडिक्टेड. However, it may happen that the growth eventually turns out to be 10% or 30%. So many items of expenses shall be different in these three situations. Agar aapne sale predict ki, A situation mein aapne ka 10% sale, B mein ye situation hai ki 20% sales growth hogi, C situation mein aapne predict kiya ki 30% sales बढ़ेंगी. ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशंस में बेटे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिफरेंट रहेंगे. तो हम इन तीनों सिचुएशंस का अगर एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना के रखेंगे तो हमें हम प्रिपेयर्ड रहेंगे. हमें पता होगा कि हमारे पास अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान है. लेट अस से फर्स्ट ईयर में हमारी 10% ग्रोथ हुई तो हमने उसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है. हमें पता है हमें इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमने अरेंज कर लिए. फिर क्या हुआ, दो सालों बाद ये सिचुएशन आ गई 20%, हमने इसका भी ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, हमें पता है हमें इसको मीट करने के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है. तो हमें दोबारा से कोई एफर्ट करने नहीं पड़ेंगे, हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. वही बात आ गई, कोविड में कितने बिजनेस को शॉक मिला. ठीक है, सो इस तरह के शॉक्स या सरप्राइजेस बिजनेस में आते रहते हैं. तो अगर आप इन शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स. देन फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस. जो डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस हैं उनको हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. जैसे सेल्स एंड प्रोडक्शन है, इसको कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा. ठीक है, सेल्स तभी बढ़ेंगी अगर प्रोडक्शन बढ़ेंगी. सो इफ यू आर प्रिडिक्टिंग 30% ग्रोथ इन सेल्स, यू हैव टू इंक्रीज योर आउटपुट आल्सो बाय 30%. तो ये जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में हमें कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग. They make the policies, they make the procedures so that these functions can be coordinated. Then, bete, detailed plan of action prepared under financial planning, it reduces waste, duplication of efforts and gaps in planning. See, if you are not prepared for this situation, you are prepared for this situation and this comes across. You're not prepared, so you will again have to make a plan. 20% अच्छा 20% sales होगी, इसके लिए इतनी output बढ़ानी पड़ेगी. अच्छा इसके लिए इतना profit होगा. अच्छा इस profit में से इतना internally निकल आएगा, इतना हमें external sources लेने पड़ेंगे. अच्छा ये हमारे पास सब sources available हैं, ये इस cost पे आएगा, ये उस cost पे आएगा. Lot of time is, lot of you know efforts are required. इन efforts को time भी लगेगा. So, हो सकता है कि आपकी वो गाड़ी निकल गई स्टेशन से, आप स्टेशन पे खड़े रह जाओगे. क्यों? क्योंकि आप अभी तो प्लानिंग कर रहे हो. लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, उससे आपका यू नो वेस्टेज कम होगी, आपके एफर्ट्स की डुप्लीकेशन कम होगी. क्योंकि आपने जब 10% पे बनाया था वही एफर्ट्स अब आपको 20% पे दोबारा करने पड़ेंगे. ठीक है, सो जो गैप्स हैं प्लानिंग में वो भी कम हो जाएंगे. देन बेटे प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग लिंक करती है प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ. ये हर तरह की प्लानिंग ये करती है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में भी हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर. राइट, देन इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस on a continuous basis. अब financial management की हम बात करें
तो मैंने पहले भी बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस लेती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन दोनों के बीच में लिंक का काम करती है, ठीक है, कितनी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उसको हमने कहां से फाइनेंस करवाना है। सो ऑन कंटीन्यूअस बेसिस फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। ओके, देन लास्ट वन, बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट makes the evaluation of actual performance easier. So detailed objectives को spell out करती है अलग अलग business segments के, business के अलग अलग segments होते हैं, उन सबके ये detailed objectives बनाती है, spell out करती है, इससे बेटे जो actual performance है ना उसको evaluate करना easy हो जाता है। See परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना भी, आपने शायद कंट्रोलिंग चैप्टर नहीं पढ़ा, उसमें आपको पता चलेगा प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कंट्रोलिंग में हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस एक्सटेंट तक मीट हो चुके हैं। जैसे हमने टारगेट फिक्स किया, ठीक है, तो अब हमने देखना है क्या ये हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, दिस इज, और अगर नहीं अचीव हुआ तो उसके पीछे क्या कारण रह गए हैं, ठीक है, और हम उसको किस तरह से यू नो करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं उसको अचीव करने के लिए। सो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। सो ये इवैल्यूएशन पॉसिबल हो पाती है फाइनेंशियल प्लानिंग के करके, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इट स्पेल्स आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स, ठीक है, यहां तक। ओके, नेक्स्ट इज बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने ये देखना होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो ये देख रहा है कि कितने फंड्स हम इंटरनली जनरेट कर सकते हैं और कितने हमें फंड्स जो है एक्सटर्नली जनरेट करने पड़ेंगे। तो जो हम इंटरनली जनरेट करते हैं फंड्स उनको कहते हैं ओनर्स फंड्स, और जो हम बाहर से लेते हैं एक्सटर्नली जनरेट करते हैं उनको हम कहते हैं बोरोड फंड्स, ठीक है। सो बिजनेस फाइनेंस की दो बेसिकली कैटेगरीज होती हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओनर फंड में क्या क्या आता है, एनीवन, ओनर फंड्स कंप्राइजेस ऑफ यस फतेह, ओनर फंड्स इट कंप्राइजेस ऑफ, ओके यस राणा, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट एल्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, जो हमने सरप्लसेस या रिजर्व रखे होते हैं अपने प्रॉफिट में से जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड्स। सो ओनर्स फंड्स कंप्राइजेस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, preference share capital and retained earnings. Borrowed funds कौन से हो सकते हैं, borrowed funds can be in the form of loans, they can be in the form of debentures, they can be in the form of public deposits, loans from banks, loans from financial institutions, ठीक है, intercorporate deposits, all these are borrowed funds, ठीक है। so अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। जब आपको ये कैपिटल, आपको पता है क्या होती है, ठीक है, आपको बैलेंस शीट वगैरह कंपनी की बनानी आती है, तो आपको कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली ये देखना है कि ये जो कंपनी है ये कितना ओनर फंड से जनरेट कर रही है और कितना बोरोड फंड से जनरेट कर रही है, व्हाट इज द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। जो ओनर फंड है उसको हम कह देते हैं इक्विटी, ठीक है, और जो बोरोड फंड्स हैं उसको हम कह देते हैं डेट, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड
बोरोड फंड्स, ओनर फंड को हम इक्विटी का नाम देंगे आगे से और बोरोड फंड्स को हम डेट का नाम देंगे, ठीक है. सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, दैट इज इट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट इज टू इक्विटी. कैपिटल स्ट्रक्चर is equal to debt upon equity. ठीक है. अब debt और equity both of them differ significantly in their cost and riskiness. आपको ये बड़ा important decision है किसी भी firm के लिए, कितना उसको funds debt से raise करना चाहिए और कितना equity से, क्योंकि ये दोनों different है, दोनों की cost different है, दोनों का रिस्कीनेस डिफरेंट है. ठीक है. अब जो डेट होता है उसकी कॉस्ट जो है एज कंपेयर टू इक्विटी कम होती है. कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ए फर्म बिकॉज द लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटीज रिस्क. जब आप अपनी कैपिटल डालते हो आपका रिस्क ज्यादा है तो इसीलिए आप ज्यादा रिटर्न डिमांड करोगे. जो डेट देता है आपको क्योंकि उसका डेट सिक्योर्ड होता है तो इसीलिए वो ज्यादा रिटर्न नहीं मांगता है. इसका मतलब डेट जो है उसकी कॉस्ट कम होती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि एक तो उसको एश्योर्ड रिटर्न मिल जानी है, ठीक है, उसके बाद उसका पेमेंट जो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी उसकी हो जानी है, यानी उसको उसका अपना पैसा जो है वो वापस मिल जाना है. दैट्स व्हाई दे रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न. दूसरी बात, जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है एक फर्म के लिए. यानी जब हम टैक्स की टैक्स लायबिलिटी किसी भी फर्म की मेजर करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो उसमें से इंटरेस्ट जो कि हमने डिबेंचर्स होल्डर्स को या डेट होल्डर को दिया है वो डिडक्ट हो जाता है. इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. तो जितना आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है बेटे उतना आपका प्रॉफिट कम है. जितना प्रॉफिट बुक्स में कम शो होगा उतनी आपकी टैक्स की लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. ठीक है. तो ये इसके फायदे हैं. सो इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट विच मींस इज लाइकली टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म. इसका मतलब जितना ज्यादा हम डेट का इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये हमें सस्ता पड़ रहा है, हमें इसके ऊपर कम रिटर्न देनी पड़ रही है, कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. दूसरा, इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट कम शो हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम हो रही है. यानी फर्म को डेट सॉरी टैक्स कम देना पड़ता है. अब नो डाउट डेट इज चीपर बट इट इज मोर रिस्की फॉर द बिजनेस. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे करना और कैपिटल को रीपे करना इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस. For any single year, you cannot refuse to pay interest to the debenture holders or debt holders. And you cannot refuse to repay their capital once the time of maturity is there. Any default in meeting these commitments may force the business to go into liquidation. Business इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा अगर आप एक साल कह दोगे हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है, अभी हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते. ठीक है. तो उस केस में आपकी फर्म को लिक्विडेट होना पड़ेगा, आपके एसेट्स बिक जाएंगे, आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी अपनी फर्म. वेयर एज इक्विटी में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. इक्विटी से जो पैसा आता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म फर्म के पास ही रहता है. और उसके अगर फर्म को कोई प्रॉफिट्स नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करना कंपलसरी नहीं होता है. ठीक है. सो विच मींस जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, इट अफेक्ट्स बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क. दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल डे आफ्टर टुमारो. एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटे?